Hi guys, today we are going to see the last lessons part 2. पिछले part 1 में हम लोग देखे थे फ्रांस के लोगों का क्लास में जो बैठे हुए थे और इस चीजों को जिक्र हुआ था. टुडे इज द लास्ट लेसन. व्हाई It has been mentioned the last lesson that is already I explained in part first. इसमें यहाँ तक हम देखे थे. This is your last French lesson. French जो फ्रांस में बोला जाता है, फ्रेंच भाषा में पढ़ाया जाता था, लेकिन उस दिन की क्लास जो मैंने कहा, जो सामान्य तौर पे क्लासेस बहुत शोर शराब होता रहा, लेकिन उस दिन बहुत शांत और गांव के लोग आके बैठे हुए थे. फॉर्मर मेयर भी थे, फॉर्मर पोस्ट मास्टर भी थे, सब लोग बैठे हुए थे. तो नरेटर को बहुत अद्भुत था लगा कि बात क्या है, लेकिन अब इन्हें समझ में आया कि बात क्या है. जब ये सारे बातें सुने, व्हाट ए थंडर क्लैप दिस वर्ड्स बैक टू मी, नरेटर लेखक कहते हैं, ये मेरे लिए सदमा सा एक जैसे आसमान में बादल खड़कता है, चमकता, इस तरह का एक मेरे लिए था ये शब्द सुन करके कि आज फ्रेंच लास्ट लेसन फ्रेंच भाषा का. ओ द रैचेस दैट वाज व्हाट दे हैड बीन हैड पुट अप एट द टाउन हॉल. ओ अब समझ में आया मुझे, जो टाउन हॉल में लगाया गया, टाउन हॉल में लोग जो भीड़ इकट्ठा हुई थी बुलेटिन बोर्ड के पास, अब मुझे समझ आया क्यों भीड़ इकट्ठा हुई थी. जब वो आ रहे, उधर से आ रहे थे लेखक, जब आ रहे थे तब देखे थे बहुत लोगों का जमा बेड़ा हुआ था, तब ये सोच रहे थे क्या हो सकता है, लेकिन अब इन्हें समझ में आया टाउन हॉल में क्यों सारे लोग गैदरिंग हुए थे. इस चीज़ों को वहाँ लगाया गया था बुलेटिन बोर्ड में. माई लास्ट फ्रेंच लेसन व्हाई आई हैड न्यू हाउ टू राइट. ये मेरे अंत माने सबसे लास्ट लेसन है. इसके बाद फ्रेंच पढ़ाई नहीं होगा और मैं बहुत ही मुश्किल से एक लेसन जो पढ़ाया जा रहा है इसमें से कुछ भी चीज़ माने बहुत मुश्किल से एक थोड़ा सा लिखने भी आता होगा मुझे. आई शुड नेवर लर्न एनी मोर. और इसके बाद मैं पढ़ नहीं सकता, इसके बाद और सीखने का समय नहीं है, सीख नहीं पाऊंगा मैं. आई मस्ट स्टॉप देयर देन. ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन. और मैं अभी तक पढ़ा नहीं था और मैं कितना दुखी हूँ, कितना मुझे तकलीफ है कि मैं अपने लेसन को, लेसन मतलब मैं अपने भाषाओं को या फ्रेंड्स को सीखा नहीं, मैंने पढ़ा नहीं, और आज अंतिम अंत है जबकि मैं एक शब्द लिखने नहीं आता है मुझे. फॉर सीकिंग वर्ड से, और मैं क्या करता था, सीखने के बजाय ये सब पढ़ने के बजाय मैं क्या करता था, चिड़िया का अंडा के लिए घूमता था और पूरा स्लाइडिंग करता था ऑन द सार. सार एक रिवर का नाम है, उधर मैं ये सारे करते हुए घूम रहा था, समय व्यर्थ कर रहा था सीखने के बजाय. माय बुक्स दैट हैड सीम्ड सच ए वाइल अगो. और कुछ क्षण पहले मेरे किताब मेरे लिए बहुत ही एक नॉनसेंस की तरह या कुछ लायक नहीं था. सो हैवी, ये बहुत भारी था मेरे लिए टू कैरी, ले जाने के लिए मुझे बहुत भारी लगता था थोड़ी देर पहले. माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स वेर ओल्ड फ्रेंड्स हाउ दैट आई कुड गिव अप. और मेरे ग्रामर किताब, मेरे हिस्ट्री किताब मेरे एक पुराने दोस्त थे और मैं कैसे इन्हें छोड़ सकता हूँ. एन एम हामेल टू, और मैं जो टीचर हैं वो भी मेरे लिए कितने अच्छे हैं, एक दोस्त की तरह, अब मैं कैसे उन्हें छोड़ सकता हूँ. द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज. जो विचार, जो सोच मेरे मन में आ रहा था
कि उनका जो रूलर से मारना या जो डांट फटकार लगाना, उन्हें कोसना, ये सारी चीज़ में भुला गया, ये सारी चीज़ में भूल गया, क्योंकि आज का जो विषय था, जो फ्रेंच के लैंग्वेज का पढ़ाई का लास्ट है, और उसके बाद नहीं पढ़ाया जाएगा, जर्मन टीचर आकर पढ़ाएंगे, इसलिए सारी चीज़ मैं दिमाग से निकाल दिया और निकल गया। और ये सारे मैं सोचता रह गया, जो रूलर से लेकर मैं डांट फटकार लगाते थे, ये सारे चीज़ मैं भूल गया। पुअर मैन, बेचारा। इट वॉज इन ऑनर ऑफ हिज लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन। अब मुझे समझ में आया कि ये उनके लास्ट लेसन था, माने अंतिम दिन में जो पढ़ाई, अंत दिन है, आज लास्ट डे है, या लास्ट लेसन कहा जा रहा है, लास्ट लेसन जो पढ़ा रहे हैं, इसी कारण से उसे रेस्पेक्ट करने के तौर पे, ऑनर करने के लिए उन्होंने इस ड्रेस पहना जो पहन के आए हैं, अच्छे कपड़े जो पहने हैं, ये पहन के आए। अब मुझे समझ में आया, राइटर यहाँ कह रहे हैं, एंड नाउ आई अंडरस्टूड, अब मुझे समझ में आया क्यों वो इस कपड़े को पहन के आए हुए हैं। जो हमेशा कब पहनते थे वो पहना करते थे, जब कभी इंस्पेक्शन के लिए जाते थे या प्राइज सेरेमनी में पहनते थे वो कपड़ा को, आज पहन के आए हैं क्योंकि आज लास्ट लेसन या लास्ट उनकी क्लास है। व्हाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वेयर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम। और अब मुझे समझ में आया क्यों अचानक गांव के लोग आकर के पीछे बैठे, पीछे वाले बेंच में बैठे हुए हैं, जो अक्सर खाली रहा करता था। इट वॉज बिकॉज दे वेर सॉरी, क्योंकि बहुत तकलीफ और दुख की बातें हैं, इसके बाद और फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाया जाएगा, फ्रेंच नहीं पढ़ाया जाएगा, इसलिए तकलीफ था। टू दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, और उन लोग स्कूल भी नहीं गए थे, कभी स्कूल नहीं जाते थे और गए भी नहीं थे। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस एंड ऑफ शोइंग देयर रेस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वॉज देयर नो मोर। ये उनका एक सिद्धांत या उनका एक प्रकार का रीति रिवाज है कि थैंकिंग करने का, धन्यवाद देने का। हालांकि उन लोग स्कूल गए भी नहीं थे, तब पर भी आकर के अपने गुरु को, अपने टीचर को धन्यवाद देने का और अपने देश के प्रति वफादार और अपने देश के प्रति भक्ति दिखाने का भी एक रास्ता था कि आकर के वहाँ बैठे और कुछ प्राइमरी लेकर आए थे, जो किताब लेकर आए थे, जो विचार कहा जा रहा था उसको लिख रहे थे। एटलीस्ट अंत एक लास्ट डे में आकर के उन लोग इस चीज़ों को पढ़ रहे थे, पढ़ने का प्रयास कर रहे थे और रेस्पेक्ट के साथ में। वेल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस आई हैड माई नेम कॉल्ड, और जब मैं सोच ही रहा था तो मेरे नाम बुलाया गया। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइड, और मेरे बारी था रिसाइड करने। क्या रिसाइड करना? जो पार्टिसिपल्स के बारे में इनको बोलना था। व्हाट वुड आई हैड नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल। और मेरे लिए जो दिया गया था और मैं इसके लिए साहस भी नहीं कर पा रहा था, क्या कहूँ मैं, और अंतिम दिन में अगर कुछ ना कहूँ तब भी एक अच्छा नहीं महसूस होगा, नहीं कहेंगे तो मैं क्या करूँ। ऑल दो थ्रो वेरी लाउड एंड क्लियर एंड विदाउट वन मिस्टेक, बट आई, मेरे को एक कहना चाहिए था कि मैं आज अंतिम दिन है, इसलिए लास्ट लेसन है सर के लिए और स्कूल के लिए भी है, इसी कारण से क्या है, मुझे अच्छे से बोलना चाहिए था, अच्छे से मुझे जो सिखाया जा रहा था, जो पढ़ाया गया, इसको बहुत स्पष्ट कहना चाहिए, बिना मिस्टेक, बिना गलती करे, क्योंकि ना एक रेस्पेक्ट के तौर पे और जो फेयरवेल जैसे हो रहा है उसमें मुझे पूरा स्पष्ट कहना चाहिए था, लेकिन ये नहीं हो पाया। बट आई गॉट मिक्स्ड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर होल्डिंग ऑन टू माय डेस्क, और मैं ऐसा कह नहीं पाया, पूरा मिक्सअप हो गया, पहला शब्द जैसे ही कहा एक भी शब्द फर्स्ट वर्ड भी नहीं कह पाया, और मैं वहाँ मेरे डेस्क में खड़ा था, माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मेरे हृदय धड़क रहा था और मेरे पास साहस नहीं था कि मैं ऊपर देख सकूँ या सामने का देख सकूँ। आई हैड एम हैमेल से टू मी, और मैं सुना हैमेल मुझे कहे, आई वॉन्ट स्कॉल्ड यू
लिटिल फ्रेंड्स, प्यार से उनको फ्रेंड्स कहते थे, मैं आपको डांटूंगा नहीं लिटिल फ्रेंड्स, यू मस्ट फील बैड इनफ, लेकिन आप खुद महसूस मतलब बुरा महसूस करना चाहिए, आपको तकलीफ होना चाहिए कि आप पढ़ के नहीं आए, आप पढ़ नहीं रहे थे और अच्छी याद भी नहीं किया। सी हाउ इट इज एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्फ, वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। देखिए किस तरह हम लोग हर दिन कहते थे आज नहीं तो कल पढ़ लूँगा, हमारे पास पर्याप्त समय है, मेरा कल लर्न करके आ जाऊँगा। इस तरह हम हर दिन इस तरह कह रहे थे आई विल लर्न इट टूमोरो, एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट। लेकिन अब देखिए हम कहाँ आके खड़े हैं, कहाँ पर आ गए हैं। हम हमेशा ही सोचते थे बहुत प्लेंटी ऑफ टाइम हमारे पास है, आज नहीं तो हम कल पढ़ के आ जाएंगे, लेकिन आज हम कहाँ खड़े हैं। ओ दैट्स द ग्रेट ट्रैवल विथ अल्सेस अल्सेस, और ये बहुत बड़ा एक परेशानी है अल्सेस का। सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमोरो, और वो क्या है इस चीज़ सीखने के लिए कल के लिए छोड़ देते थे, छोड़ देते थे। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल बी देयर विल हैव द राइट टू से टू यू हाउ इज इट यू प्रिटेंडेड टू बी फ्रेंचमैन एंड एट यू कैन नेदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज। यहाँ लेखक कहते हैं यदि आपको उनके बीच में छोड़ दिया जाए, जर्मन के बीच में उन लोग आकर शासन करेंगे, उनके बीच में आकर का देखेंगे, तो आप अगर बोल भी नहीं सकते हैं, पढ़ भी नहीं सकते, लिख भी नहीं सकते हैं, तो कैसे आप फ्रेंचमैन की तरह विश्वास करें। लोग क्या सोचेंगे वास्तव में आप क्या फ्रेंचमैन है या नहीं, लोग डाउट करेंगे। एंड एट यू कैन नेदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, ना तो आप अपनी भाषा को पढ़ सकते हैं, ना तो लिख सकते हैं, ना तो बोल सकते हैं, इसलिए कैसे लोग मानेंगे, कैसे लोग यकीन करेंगे। बट यू आर नॉट द वर्स्ट पोअर लिटिल फ्रेंड्स, लेकिन आप ही इस तरह का वर्स्ट नहीं है लिटिल फ्रेंड्स। वी हैव ऑल ए ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्फ विथ, और हम सभी लोग इसके लिए दोषी हैं, केवल आप ही नहीं है कि खराब, मैंने आप ही वर्स्ट नहीं है, आप ही पूरा नहीं है, लेकिन हम सभी लोग इसकी भागीदारी के, हम सभी लोग पास कुछ ना कुछ अपने आप को कोसने के लिए पड़ा हुआ है, हम कुछ ना कुछ ऐसे किए हुए हैं जो इस भाषा को इस चीज़ को पढ़ने में। योर पेरेंट्स वर नॉट एनएक्सेस इनफ टू हैव यू लर्न, और आपके माता पिता इसके लिए चिंतित या इसके लिए आपको चिंतित नहीं किया गया, दबाव नहीं बनाया गया कि इसको सीखने के लिए। दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फार्म और एट द मिल्स, उन लोग क्या कर रहे थे आपको काम पे ज़्यादा भेज रहे थे, चाहे मिल पे हो या फार्म हाउस में हो, फार्म में हो, आपको काम करा रहे थे, सो एज टू हैव ए लिटिल मोर मनी, ताकि आप कुछ पैसा कमा सके, कुछ पैसा ला के माँ बाप को अपने पेरेंट्स को दे सके, इसलिए वो काम में भी आपको भेज देते थे। इसलिए आप ही दोषी नहीं हैं, ना तो आप ही अपने आप को से, हम सभी इसमें दोषी, आपका पापा मम्मी भी, ये लेखक यहाँ जिक्र कर, एंड आई अभी मैं भी इसमें दोषी, आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, मुझे भी अपने आप को ब्लेम करना चाहिए। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन, आपको आपके पढ़ाने के माने पढ़ाने के बजाय माने आप पढ़ने के बजाय आपको जो लेसन दिया जाता है उसको पढ़ने के बजाय आपको मैं क्या मैं आपको बगीचे में पानी डालने के नहीं भेजता था। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव अ हॉलीडे, और जब मैं मछली पकड़ने के लिए फिशिंग के लिए जाना चाहता था क्या मैं आप लोग को छुट्टी नहीं कर देता था, तो मैं भी उसमें दोषी हूँ। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर एम हैमेल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, और एक दूसरे से देखते हुए एक दूसरे जैसा शिकार करते हुए, एक लास्ट लेसन है आज के बाद दोबारा फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाया जाएगा, इसलिए सभी लोग अपने अपने जो बीती हुई चीज़ों को याद करके, यहाँ टीचर भी यहाँ पर कह रहे हैं कि और इस फ्रेंच लैंग्वेज को याद कर, सेइंग दैट इट वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल, और कह रहे हैं फ्रेंच भाषा के बारे में ये सबसे बहुत ही सुंदर भाषा है, बहुत ही मैंने पूरी दुनिया में एक अच्छी भाषा, एक बहुत सुंदर लैंग्वेज है करके वो कह रहे हैं। इन द वर्ल्ड द क्लियरेस्ट, ये सबसे स्पष्ट, द मोस्ट लॉजिकल, दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट, और ये चीज़ को याद रखिए अच्छे से कि जो फ्रेंच भाषा है, जो टीचर यहाँ एच एम एल यहाँ
एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हमारी भाषा फ्रेंच जो बहुत अच्छा लॉजिकल और बहुत क्लियरेस्ट भाषा है, इसे हमें गार्ड करना चाहिए, इसे कभी हमें भूलना नहीं चाहिए। बिकॉज व्हेन ए पीपल आर एनस्लेव्ड एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, इट इज एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन। और जब आप लोग बंदी में जाते हैं तो जैसे आपकी भाषा जब तक आपके पास में, जैसे आपके पास कुंजी है, आपके पास चाबी है कि उसको खोलने के लिए, यदि आपके पास भाषा अपनी भाषा जगह, देन ही ओपन ए ग्रामर एंड रेड अस आवर लेसन। उसके बाद उन्होंने वो पढ़ने के बाद ग्रामर बुक खोले और एक रेड अस आवर लेसन और हमारे लेसन को पढ़ेंगे। आई वॉज अमेज टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट। और उन्होंने जब ग्रामर पढ़ाए तो मैं चकित हो गया कि उस मैं किस तरह अच्छे से समझ पा रहा हूँ आज। ऑल ही सेड सिम टू ईजी, और जो भी वो पढ़ा रहे हैं, जो भी कह रहे हैं, बहुत ही आसान है। आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसेंड सो केयरफुली, और मैं सोच रहा हूँ शायद मैंने कभी ऐसा इतने ध्यानपूर्वक सुना नहीं था। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन, और वो भी इतने ध्यानपूर्वक से, मैंने इतने अच्छे से इसको एक्सप्लेन नहीं किए थे। एवरीथिंग विथ सो मच पैशन, इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे। और पूरे स्पष्ट रीति से, जैसे कि बेचारा वो जाने से पहले सब कुछ देना चाहते थे, जो भी उनके अंदर ज्ञान है, जो भी पढ़ाना चाहते, जो भी कहना चाहते हैं, सारी चीज उंडेल देना चाहते हैं, एंड पुट इट ऑल इंटू आवर हेड्स एट वन स्टॉक। और वो चाहते थे कि सब कुछ हमारे दिमाग में, अपने सिर पे भर दे, कि उन्हें जाने से पहले, कि उन्हें आज अंतिम दिन है, यहाँ से फ्रेंड्स वहाँ से पढ़ाया नहीं जाएगा, इसलिए उनको जाना है, कल से दूसरे टीचर आ जाएंगे जर्मन पढ़ाने के लिए। इसी वजह से वो चाहते थे जो भी उनको जानकारी है, जितना चीज़ें आता है, सारी चीज़ें इनके दिमाग में एक एक ही दिन में पूरा भर दे। आफ्टर द ग्रामर वी हैड ए लेसन इन राइटिंग, ग्रामर पढ़ने के बाद में उनके पास राइटिंग के लिए कहा गया। दैट डे मे एम हैमेल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, और उस दिन हैमेल के पास एक नया कॉपी था, रिटन इन ब्यूटीफुल राउंड हैंड, और बहुत सुंदर, बहुत अच्छे हस्ताक्षर था, अच्छे लिख के लाए थे। फ्रेंड्स एल्सेस दैट लुक लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर, और वो इस तरह दिख रहा था कि छोटा सा फ्लैग जो फ्रेंड्स का है वो पूरा चारों तरफ उड़ रहा है, तैर रहा है। इन द स्कूल रूम हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, और स्कूल रूम में रोड से लेकर सब तरफ वो टांगा गया था, उसे लगाया गया था स्कूल डेस्क तक। यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क एंड हाउ क्वेट इट वाज, और यहाँ देख सकते हैं सभी लोग किस तरह काम कर रहे हैं और किस तरह शांत बैठे हुए हैं। द ओनली साउंड हुआ द क्रैचिंग ऑफ द पेन ओवर द पेपर, और केवल एक आवाज़ आ रही थी, सब लोग पूरा शांत बैठे हुए, सब अपने काम कर रहे हैं, और एक ही शब्द आ रहा था पेन में, पेन से कॉपी में लिखने का आवाज़, जस्ट लिखते समय कोई थोड़ा सा नॉइज होता, वही केवल सुनाई दे रहा था, बाकी सारे लोग शांत बैठे हुए के अपने काम कर रहे थे, काम मतलब लिख रहे थे। वंस सम बेटल्स फ्लू इन, और बेटल्स मतलब कीड़े, प्रकार कीड़े होते हैं, भीम कहते हैं कीड़े होते हैं, वो अंदर आ गया। बट नोबडी पेड एनी अटेंशन टू देम, लेकिन कोई भी इस पर ध्यान नहीं दिया, उनको पर ध्यान नहीं दिया, नॉट इवन द लिटलेस्ट वन, और छोटे बच्चे भी ध्यान नहीं दिए, जब एक कीड़े भी अंदर आ गए तब पर भी कोई ध्यान नहीं दिया। हु वर्क राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक, और छोटे बच्चे भी ध्यान नहीं दिए जो कि जो फिश हुक अपने कॉपी में बना रहे थे, ड्राइंग कर रहे थे। एज इफ दैट वाज फ्रेंच, जैसे कि वो भी एक फ्रेंच है, वो भी एक फ्रेंच लैंग्वेज है, फिश हुक बना रहे थे, वो भी फ्रेंच कर समझ करके, बच्चे भी इतना लगन के साथ वो बना रहे थे, इवन कीड़े आ गए तब पर भी उस पर किसी का ध्यान नहीं गया। ऑन द रूफ द पिजियंस कुक्ड वेरी लो, और जो कबूतर हैं वो भी बहुत ही धीरे ही आवाज़ के साथ आए के बैठे हैं, और रोने का आवाज़ भी नहीं आ रहा है जो आवाज़ करते थे पहले। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, और मैंने समझा, मैं सोच रहा था कि पिजियन को भी क्या जर्मन
भाषा सिखवाएंगे, क्या उनको भी जर्मनी में बोलने का या जो आवाज निकालते उसको करवाएंगे उनसे, क्या पिजियन कर सकता है इवन द पिजियन, क्या पिजियन को भी इस तरह सिखाएंगे फ्रेंच भाषा छुड़वा करके या जर्मनी। मैं इस तरह सोच रहा था। वेन एवर आई लुक्ड अप फ्रॉम माई राइटिंग आई सॉ एम हैमेल सिटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग देन एट अनदर। मैं जब लिख रहा था तो मैं देख रहा था एम हैमेल को कि अपने कुर्सी बैठे हुए थे और देख रहे थे एक के बाद एक चीज़ को, वो इधर उधर सब देख रहे थे, क्यों ना सब चीज़ों को नज़र लगा रहे, नज़र उठा कर देख रहे थे। एज इफ ही वॉन्टेड टू फिक्स इन हीज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम। जैसे कि इस तरह आप देख रहे थे कि सारे चीज़ अपने दिमाग में बिठा दिया, बिठा दे क्योंकि कल आज के बाद वो चले जाएंगे, इसलिए वो सब दिमाग में बिठाना चाहते, सब चीज़ इस तरह घूर रहे थे, देख रहे थे। फैंसी फॉर 40 ईयर्स, और 40 साल तक यहाँ काम किए हैं, ये सारे चीज़ों को पूरा अच्छी तरह से देख रहे हैं कि किस तरह ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, और किस तरह उसने वही सेम जगह में वो हैं 40 साल तक, विथ हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम। और जैसे कि उसके गार्डन के साथ में क्लास इन उसके सामने है, गार्डन के सामने है, उसके साथ में कैसे उन्होंने बिताए हैं 40 साल। सो जस्ट लाइक दैट ओनली द डेक्स बेंचेस हैड बीन वॉर्न स्मूथ, और केवल डेस्क बेंच ही क्या हुआ है, यूज़ करते करते इस्तेमाल करते करते पूरा स्मूथ हो गया है। द वॉलनट ट्रीज, वॉलनट ट्री मतलब अखरोट का पेड़ है, ट्रीज इन द गार्डन वेयर टॉलर, और उनके गार्डन में सबसे लंबी पेड़ है वॉलनट के पेड़ है, अभी है 40 ईयर्स के अंदर ये सारे चीज़ का भी उनकी जो याद आ रहा है किस तरह बड़ा हुआ है और किस तरह उन्होंने सारी चीज़ अपने आँखों के सामने देखते हुए 40 साल बिताए हैं। एंड द हॉप वाइन, हॉप वाइन एक लत्तेदार पेड़ है जो बड़ा होता है, बहुत बड़ा घना जैसा दिखता है हॉप वाइन, दैट ही हैड बीन प्लांटेड हिमसेल्फ ट्वाइन अबाउट द विंडो टू द रूट, जो कि रूट जो कि उन्होंने खुद उसको लगाए थे और इस इतना बढ़ते जा रहा है कि वो खिड़की तरफ से होते जो टू द रूट, खिड़की तरफ से होते रूट तक चला गया। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट, और इस सारे को देखते हुए कितना उनका दिल टूट जाता है, टूट गया, टू लीव इट ऑल, और सारी चीज़ छोड़ने में कितना उनका दिल टूट जाएगा। सारे 40 साल उन्होंने बिताए हैं और सारी चीज़ को देख रहे हैं कि कैसे उनके सामने सब चीज़ बढ़ रहे हैं, बेंजेक्स के अलावा बाकी सारी चीज़ क्यों कैसे बढ़ोतरी हुआ है। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबाउट, और वो सोच रहे हैं उनके बहन जो है घर के अंदर जो पैकिंग कर रहे थे, ट्रंक वगैरह बॉक्स, बड़े बड़े बॉक्स वगैरह सबको पैक कर रहे थे, सारे से सोचते हुए कैसे उनका दिल टूट सकता है, टूट गया कि कैसे वो जगह को छोड़ना पड़ेगा और यहाँ से जाना पड़ेगा और दूसरे टीचर आके वहाँ पर जर्मन भाषा पढ़ाया जाएगा। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्यों ना उनको ये देश को छोड़ना पड़ेगा। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, लेकिन ये सारे सोच विचार उनके अंदर आ रहा है, उनका दिल टूट चुका है, पैकिंग चल रहा है घर के अंदर, इसके बावजूद भी उनके अंदर एक करेज था। करेज ये था कि सभी बच्चों से सुनने का, लास्ट लेसन माने जो पढ़ाया जा रहा था उसको सब बच्चों से जो पूछा जा रहा था सबसे सुनने का इनके पास हिम्मत था। हालांकि इनके तकलीफ मन दुख से इनके हृदय पूरा दुख से भर गया, इसके बावजूद भी उनके अंदर इतना करेज था सबसे सुन सके। आफ्टर द राइटिंग वी हैड ए लेसन इन हिस्ट्री, लिखने के बाद हमारे पास में एक लेसन था हिस्ट्रीज पढ़ने का। एंड देन द बेबीज चांटेड देयर बा वी वी वो वो, और बच्चे उधर आपस में इस तरह बातें कर रहे थे छोटे बच्चे। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हाउसर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड स्पेल्ड द लेटर विद देम। एक गांव के लोग आकर बैठे हुए हैं, बच्चे सारे ये क्या कर रहे हैं, बच्चे सारे अपनी चीज़ पढ़ रहे हैं और बुजुर्ग लोग गांव के लोग जो आकर बैठे हुए चश्मा पहने हुए हैं,
पहन कर का अगर क्या करें, जो प्राइमर लेकर आए, तो प्राइमरी की जो किताब उसको लेकर आए थे उसमें एक एक लेटर को उन लोग पढ़ने की कोशिश कर रहे, लिखने की कोशिश कर रहे हैं। कभी स्कूल आए नहीं थे, लेकिन आज का दिन जो अंतिम दिन है था इस भाषा के लिए, सभी लोग आकर के इस पर प्रयास कर रहे, पढ़ रहे। यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइम, और आप देख सकते हैं कि उन लोग भी रो रहे हैं। हिज वॉइस ट्रम्बल विथ इमोशन एंड इट वॉज सो फनी टू हिम टू हेयर हिम दैट वी ऑल वॉन्टेड टू लव एंड क्राई। क्यों ना, देखने के लिए एक फन जैसा भी लग रहा था। कभी स्कूल आए नहीं थे, कभी कुछ नहीं, लेकिन आज अंतिम दिन में आकर के पूरे लोग लिख रहे हैं, पूरे लोग लिखने में व्यतिव्यस्त हैं। फिर ये सारे देखते हुए बोथ हैंड स्पेल द लेटर विद देम यू कुड सी दैट हाउ फनी, मैंने इसे एक ये लगेगा कभी इतना सीरियस नहीं हुए थे कोई भी, जब हम तीन दिन है आज आकर सब कोई कर रहे हैं ये क्या है। वेल आई रिमेम्बर इट द लास्ट लेसन इमोशन, इसलिए फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वांटेड टू लव एंड क्राई, और हम सब कभी सब कोई हंसना भी चाहते हैं, रोना भी चाहते हैं। ओ हाउ वेल आई रिमेम्बर इट, और मैं आप समझ में मैं याद करता हूँ कि क्यों घड़ी 12 बजे का आवाज सुनाई दिया घड़ी में। देन द एंजेलस उसके बाद हम प्रेयर किए, एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट ऑफ द पर्सियंस इटलिंग फ्रॉम ड्रिल, और उसी समय जब घंटी बजा होगा, बेल बजा होगा चर्च में, तब समझ में आता है टाइमिंग हो गया। तब उन लोग जो ड्रिल कर रहे थे प्रेसेंस लोग, जो जर्मन के लोग थे, उन लोग वापस आ रहे थे। साउंडेड अंडर आवर विंडोज, और हमारे विंडो के नीचे सुनाई दे रहा था। एम हैमेल स्टूड अप, और एम हैमेल खड़े हो गए वेरी पेल इन ही चेयर, और जैसे नंगे पैर ही वो पूरा सीधा खड़े हो गए। आई नेवर सो हिम लुक सो टॉल, और मैं कभी इस तरह इतने लंबे नहीं देखा था मैंने। माय फ्रेंड सेड ही, और उन्होंने कहा मेरे दोस्तों, आई बट समथिंग चॉक्ड हिम ही कुड नॉट गो ऑन, और कुछ तो उन्हें रोका, मैंने वो बोल नहीं पाए, आई करके रुक है बोल नहीं पाए। एंड बियर देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, और उसके बाद ब्लैक बोर्ड पर गए, टुक ए पीस ऑफ चॉक and bearing on with all his might he wrote as large as he could, aur sabko usko man sahart hui hai sabko lete jitna ho sake utne saath laga ke unhone jitne bade ho sake utna bade mein ek likhe vive la france long live france long live karke unhone board pe likh diye। then he stopped and leaned his head against the wall, और उसके बाद उसने रुक है और लीन काम दीवार में क्या हो गए, लीन हो गए हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, उसका दीवार को छुआते हुए उन्होंने उसे दीवार में टकराते हुए उसने रुके लीन उसमें। एंड विदाउट ए वर्ड ही मेड ए गेस्चर टू अस विथ हिज हैंड, और बिना शब्द को है कैसी इशारा करने लगे दीवार पे, दीवार पे ऐसे लगते खड़े होकर के सिर पर लगाते हुए उन्होंने दीवार के सहारे खड़े हुए, और इशारे के तौर पे उसने कुछ कहे, क्या कहे, स्कूल डिसमिस्ड यू मे गो, और स्कूल डिसमिस हो रहा है, समाप्त हो रहा है, आप जा सकते हैं। डियर फ्रेंड्स डियर स्टूडेंट्स, आप इस चैप्टर पढ़े हैं, इनमें से कुछ भी डाउट होगा आप लोग कमेंट में अवश्य लिखें, और लाइक और शेयर करना ना भूलें। जो भी डाउट्स हैं आप अवश्य इसको कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।